अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारे पास हमने टाइप कर रहे हैं एडमिशन कर रहे हैं कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल हों तो हम उनको आसानी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने टाइप वन दी है, टाइप टू है, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारे पास टाइप थ्री है। तो पहले हम आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो अभी हमारे पास इंटीग्रल है ये कौन सी टाइप का है, टाइप थ्री का है या किसके। तो अगर आपके पास इंटीग्रल ऐसे हो कि वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो, उसका जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो, वेरिएबल में हमारे पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स हो, ठीक है, जैसे टाइप टू में होते। लेकिन अब इसके साथ क्या है, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के साथ साइन एक्स या कॉस एक्स की भी कोई टर्म आ रही हो। टाइप टू में क्या था हमारे पास कि जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मीन हमारा जो पूरा फंक्शन था वो हमारे पास नॉमिनेटर में भी एक्स की वेरिएबल थे और डिनोमिनेटर में भी एक्स की वेरिएबल थे। अब थ्री में क्या हो गया कि उन्हीं वेरिएबल के साथ अगर आपके पास साइन है एम एक्स, मतलब साइन की टर्म आ गई है, जो हमारे पास कॉस की टर्म आ गई है, तो इस इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं थर्ड, मतलब इसकी जो टाइप हमारे पास बन जाती है इंटीग्रल की, इस टाइप को हम कह रहे हैं हमारे पास थर्ड टाइप। अब फिर हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या होंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास वही है कि हमने x को रिप्लेस कर देना है z के साथ। अब इसी तरह अगर आपके पास चाहे साइन एम एक्स हो, चाहे साइन की टर्म हो, और चाहे आपके पास कॉस की टर्म हो, आपने इसको रिप्लेस करना है e की पाई एटा, जो भी इसकी हमारे पास वैल्यू होगी एंगल की, और साथ में z में। आपने चाहे कॉस हो चाहे हमारे पास साइन हो, आपने इसे रिप्लेस कर देना है e की पाई एटा एम जी में, पहली चीज़ होगी। सेकंड फिर क्या होगा कि हमारे ये सारा जो फंक्शन होगा ये हमारा जी में कन्वर्ट होगा, तो हमने पोल फाइंड करने। अब पोल जब आता है वो क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर की टर्म को ज़ीरो पुट करके आंसर निकालते हैं। तो जैसे हमने टाइप टू में पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्लेन हो जिसमें एक्स एक्सिस में हम रियल नंबर ले रहे हों और वाई एक्सिस में हमारे पास इमेजिनरी नंबर ले लो, तो यहाँ पे भी हमने सिर्फ वो वाले पॉइंट कंसीडर करने हैं जो अपर हाफ प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हो। मेन हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू होती है आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमने अलाउ करनी है। अगर हमारे पास कोई आयोटा की नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमारे अपर हाफ प्लेन में लाई नहीं करेगी, जिसकी वजह से उन पॉइंट्स को हमने उन्होंने नहीं लेना। थर्ड फिर वही हमारा स्टेप है कि हम फिर क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे उनके अक्रॉस रेजिड्यू फाइंड करेंगे, और जैसे ही रेजिड्यू आ जाएगा तो फोर्थ स्टेप हमारे पास होगा काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करने। तो पहले हमारे पास हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमें पता कैसे चलेगा टाइप थ्री के। तो अगर हमारे पास इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स है, उस में अब साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन है, तो ये हमारे पास बन जाती है टाइप थ्री। अब इसे सॉल्व करने का मेथड क्या है कि हम लोग एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी के साथ, साइन एम एक्स या कॉस जो भी है, दोनों चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, हमने इसे रिप्लेस कर देना है ई के पावर आयोट, मतलब एक्सपोनेंशियल में रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट करके पोल फाइंड कर लें। अब वो पोल जो अपर हाफ प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, हमने उन पोल के अक्रॉस क्या करना है, रेजिड्यू अप्लाई करना है, और रेजिड्यू अप्लाई होने के बाद काशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई। अब यहाँ पे फाइनल आंसर में याद रखना है, एक थोड़ी सी चेंजिंग है। अब अगर आपके पास साइन हुआ कि अगर इंटीग्रल जी हुआ तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स साइन एम एक्स हुआ, तो फिर आपके पास क्या फार्मूला होगा काशी रेजिड्यू थ्योरम में। साइन हुआ तो आपने इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है टू पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। अच्छा, और अगर आपके पास इंटीग्रल में कॉस गिवन हुआ तो फिर आपने क्या करना है, रियल पार्ट लेना है, मतलब उसके अंदर जो रियल आंसर होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ये चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इसमें एक थोड़ी एक और चेंजिंग बताने लगे अभी, अगर आपके पास इंटीग्रल जी हो जाता है ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो तब भी आपके पास यही होगा कि ये टाइप, और आपके पास यही है कि पी एक, मतलब एक्स की वेरिएबल भी और साइन और कॉस आ रहे हैं, लेकिन वो इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी है, तो तब आपने क्या करना है, जैसे वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करना है, या दूसरी वर्डिंग हम कहते हैं टू के साथ डिवाइड कर देना। अगर इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी हुआ तो फिर हमने टू से डिवाइड कर देना होता है, और अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हुआ तो जनरल जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे हमने वैसे ही सॉल्व करना। अब इसके एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ आसानी से समझ आ सके। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ज़ीरो से इन्फिनिटी कॉस एम एक्स डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी है।
आप फौरन देखना है कि हमारे पास इंटीग्रल इन्फिनिटी वाला है, दूसरा हमारे पास एक्स के भी वेरिएबल मौजूद हैं, और थर्ड देख रहे हो कि कॉस और साइन भी आ रहा है, सिर्फ एक्स का वेरिएबल नहीं है बल्कि साथ कॉस भी आ रहा है जो कि एक्स का वेरिएबल है। तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये हमारे पास टाइप कौन सी है, टाइप थ्री। अब टाइप थ्री का पहला स्टेप हम लेते हैं कि हमने एक्स को रिप्लेस करते हैं जी के साथ, और कॉस जो हमारे पास एम एक्स है उसको रिप्लेस करते हैं एक बार एटा जी के साथ, और जैसे हमारे पास एक्स रिप्लेस हुआ डी एक्स जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा डी जी के साथ। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं, हम कहते हैं ये हमारा आई है जो कि है जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर एटा एम जी डी जी ओवर ए स्केयर प्लस जी का स्केयर। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू जीरो पुट करके पोल फाइंड करते हैं। तो जी स्केयर इक्वल टू माइनस ए स्केयर, दोनों तरफ हम लोग लेंगे स्केयर रूट, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, सॉरी ये माइनस अंदर, तो जी इक्वल टू माइनस ए है तो उसकी वजह से प्लस माइनस आयोटा और साथ में ए, क्योंकि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा ए, और स्केयर रूट जो माइनस वन होता है वो हमेशा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। अब दो आंसर हैं, एक हमारे पास है, एक को कह देते हैं जी वन जो कि हमारे पास है प्लस आयोटा ए, और एक को हम कह देते हैं जी टू जो के पास हमारे पास है माइनस आयोटा ए। अब हमने क्या करना है, हमने ये कहा है कि हमने रेजिड्यू उस पोल पे फाइंड करना है जो अपर हाफ प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारा उसका अपर हाफ है जो कर सी है। अब हमने वो वाला लेना है पोल जो अपर हाफ में लाई कर। अब ये लिखा हुआ है प्लस आयोटा, अब प्लस आयोटा वाली टर्म जो होगी वो पॉजिटिव वाई में जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरा ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास प्लस आयोटा वाली टर्म लाई कर रही। अब हमारे पास आता है जी टू जो है वो है माइनस आयोटा ए, तो माइनस आयोटा जब वो नेगेटिव वाई में जाना है और नेगेटिव वाई वाला तो हमारे पास अपर हाफ में आ ही नहीं रहा, जिस वजह से इस पॉइंट के ऊपर हमने रेजिड्यू कैलकुलेट नहीं करना। इस चीज़ का माइंड रखना, ये डायग्राम साथ है कि वो वाला पॉइंट जो अपर हाफ प्लेन में आएगा हमारा, जैसे यहाँ पे आयोटा ए जो है वो अपर हाफ में आ रहा है, सिर्फ वो वाला जो पॉइंट है वो हमारा पॉसिबल है। अब हमारे पास रियल नंबर में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं आया हमारे पास, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हो जिनमें ये आ भी जाए। तो रियल नंबर जो जैसे ये लिखा हुआ है फाइव प्लस थ्री आयोटा, तो इसका मतलब है कि फाइव है तो ये भी अपर हाफ में है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, और प्लस थ्री आयोटा है तो पॉजिटिव आयोटा वाले टर्म भी अपर हाफ में आते हैं। तो इस पॉइंट के अक्रॉस समझो आपने रेजिड्यू फाइंड करना होगा। देखिए अगर फाइव नंबर कहीं ये आ जाते हैं फाइव माइनस थ्री आयोटा, अब ये जो फाइव है ये तो रियल नंबर है जो कि एक्स एक्सिस में है, ये रियल नंबर के लिए है और ये इमेजिनरी के लिए, तो ये तो इधर आगे वैल्यू। अब माइनस थ्री आयोटा है जो कि डाउन में आनी है जो कि लोअर हाफ में है, और वो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, हमसे अपर हाफ वालों को लेना होता। अब हमने z इक्वल टू वन के ऊपर अपना रेजिड्यू जो है वो हमारे पास कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, क्या होगा समिशन इसके z वन के अक्रॉस सिर्फ फाइंड होता है, तो z वन क्या होगा वही टर्म ऊपर आने z माइनस z वन, और फिर आगे पास कंप्लीट फंक्शन आना होता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट फंक्शन है e की पावर आयोटा एम जी, और डिवाइडेड में इसी को साल के दो आंसर आए हैं, एक जी वन आया और एक जी टू आया, जिसे हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। नॉमिनेटर वाली टर्म फंक्शन की है e की पावर आयोटा एम और जी, डिवाइडेड बाई डी नॉमिनेटर की है, एक इसी को साल किया तो एक आया जी वन के साथ आंसर और एक आया जी टू के साथ आंसर। जब मैंने वैल्यू पुट करूँ तो आप देखोगे आके वही आंसर जो है जो शुरू में लिया हुआ है वो रिपीट हो जाएगा। तो फाइंड करते हैं जी वन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो समिशन जी अप्रोच टू जी वन ई की पावर आयोटा एम जी ओवर जी माइनस जी टू। अब जी जहाँ पे वहाँ पे जी वन पुट कर देते हैं ओवर जी वन माइनस जी टू। अब ई की पावर आयोटा एम और जी वन का हमारा जो आंसर था वो हमारे पास था आयोटा ए, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ए डिवाइडेड बाय आयोटा ए माइनस, और इसका आंसर था माइनस आयोटा ए। ये हो जाएगा आपके पास e की पावर आयोटा 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 स्केयर एम ए ओवर आयोटा ए माइनस माइनस प्लस आयोटा ए। e की पावर आयोटा स्केयर होता है माइनस इक्वल आयोटा स्केयर, हमारे पास क्या होता है माइनस वन, साथ में एम ए डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा टू आयोटा ए। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमने एंड पे काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करना है, और काशी रेजिड्यू थ्योरम में हमने दो बातें हमने भी याद रखनी है। एक तो हमारे पास ये है कि हमारा जब कॉस में फंक्शन हो तो हम रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं, पहला पॉइंट ये आपने याद रखना है।
दूसरा हमारा जो इंटीग्रल है वो जीरो से इन्फिनिटी वाला है, तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है कि जीरो से इन्फिनिटी है और कॉस का फंक्शन है, तो फार्मूला क्या होगा, वन और टू पाई रियल पार्ट टू पाई ओटा इंटू सम ऑफ रेजिडू। हम अपना अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग काशी रेजिड्यू थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वन ओवर टू रियल और अंदर टू पाई आयोटा, और हमारे पास रेजिड्यू का आंसर एक्सटेंशन माइनस आयोटा ए माइनस एम ए ओवर टू आयोटा ए। अब टू आयोटा इसके साथ आंसर वन ओवर टू रियल इंटू पाई ई की पावर माइनस एम ए ओवर ए। अब इसके अंदर देखो कोई भी आयोटा और टर्म नहीं, ऑटोमेटिकली इसका मतलब है ये रियल ही है, तो बेशक रियल का वर्ड हम ख़त्म कर दें तो यह है पाई ई की पावर माइनस एम ए ओवर टू ए। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारे पास टाइप थ्री सॉल्व हो गया। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसका भी इंटीग्रल शुरू हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कॉस की एक्स की भी वेरिएबल है और कॉस भी हमारे पास आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बात है तीनों चीज़ें इंटीग्रल भी है, कॉस पी ऑफ एक्स की ओवर एक्स में भी है और हमारे पास कॉस भी साथ आ रहा है, जिसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगी, चलो कॉस अब नहीं करते, अब मैं कर लेती हूँ साइन, मैं ये क्वेश्चन इसमें साइन में कर लूँगी। तो हमारे पास अब टाइप थ्री ही है, तो टाइप थ्री के हम रूल लिखते हैं कि हमने एक्स को रिप्लेस कर देते हैं जी के साथ, और जो हमारे पास है साइन थ्री एक्स है इसको रिप्लेस करें ई पाई आयोटा, जो एंगल होता है जैसे थ्री है तो यहाँ पे थ्री हो साथ में एक्स की जगह जी आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी प्लस टू ई की पाई आयोटा थ्री जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी जी। अगर आप लोग देखो तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो जी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसे इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, जी इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर रूट और ये क्या होता है प्लस माइनस आई होता है। अभी हमने वही प्लेन की बात करते हैं कि उसके एक्स एक्सिस में रियल नंबर होते हैं, वाई एक्सिस में इमेजिनरी नंबर होते हैं, और हमने वो वाले पॉइंट लेने होते हैं जो अपर हाफ प्लेन में लाई करें, तो एक है जी इक्वल टू प्लस आयोटा और एक है जी इक्वल टू माइनस आयोटा। अब माइनस वाला लोअर में वो पॉसिबल नहीं है, प्लस आयोटा वाला सिर्फ जो हमारे पास पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है, इसके अक्रॉस रेजिड्यू फाइंड करना, तो रेजिड्यू की क्या होगा, समीशन जी इक्वल टू जी वन तो जी माइनस जी वन। अब कंप्लीट हमारा ये फंक्शन जो क्या है जी प्लस टू है, उसके नॉमिनेटर नॉमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर जो होते हैं जो उसके आंसर आए होते हैं उनके मुताबिक जी में, जैसे दो आंसर है तो जी को एक दफ़ा जी वन और जी को एक दफ़ा जी टू, जी वन से कैंसर आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमने जी वन के अक्रॉस फाइंड किया तो जी वन वाली टर्म कैंसिल होगी, ऊपर रहेगी जी प्लस टू इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थ्री और जी माइनस जी टू, तो जी की जगह हम लोगों ने जी वन सब्स्टिट्यूट करी, जी वन का आंसर है आयोटा और जी टू का आंसर है माइनस आयोटा, फिर जब हमारे पास सॉल्व होगा आयोटा प्लस टू आयोटा आयोटा स्केयर और स्केयर जो होता है वो माइनस वन की कोला रहेगा और यहाँ पर ये टू आयोटा। अब ये रेजिड्यू फाइंड हो गया, अब हमने अप्लाई करना है अपना काशी रेजिड्यू थ्योरम, और हमारा फंक्शन जब साइन की फॉर्म में गिवन हो तो हमने कहा था हमने इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसे कंपेयर करना होता है, और दूसरा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान आ रहा है, तो इट्स मीन हमारे पास सिंपल इमेजिनरी टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। अब सम ऑफ रेजिड्यू में हमने अपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, टू आयोटा के साथ कैंसिल, पाई अब मल्टीप्लाई होगा पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक पावर माइनस थ्री भी, फिर प्लस पाई टू वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जहाँ पे आयोटा के बगैर टर्म है इसका मतलब ये रियल टर्म है, और ये आयोटा वाली टर्म है इसका मतलब ये इमेजिनरी टर्म है, तो हमने सिर्फ कौन सी टर्म लेनी है, इमेजिनरी टर्म लेनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा पाई ई की पावर माइनस थ्री। तो अब ये हमने साइन के साथ भी एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है कि आपने इमेजिनरी पार्ट किस तरह कंपेयर करना होता है, कॉस के साथ भी कर लिया कि रियल कैसे करना होता है, इसके साथ हमने ये भी कर लिया अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो तब इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है, और ज़ीरो से लेकर वन हमारे पास है जीरो सॉरी इन्फिनिटी तक हो तब हमारे पास कैसे सॉल्व करना है। तो ये डायग्राम आपके पास मस्ट है, ये लाजमी हर एक में बनाना है, जो उसकी प्लेन में अपर हाफ में आंसर लाई करते हैं उसके अंदर बनाना है और ये क्वेश्चन वापस सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमारे आज का लेक्चर जो है वो एंड हुआ है, इंशाल्लाह कल हम लोग टाइप फोर के साथ अपना अगला लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।